बहुत शर्म की बात है कि जैसे ही मैंने रिजाइन करा, उस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने की जगह उल्टा उस ऑर्गेनाइजेशन पे ताले लगाने की प्रयास चल रहे हैं। चुनी हुई सरकार है वो बिल्कुल ये काम कर रही है, नहीं तो मुझे बताइए ना, जब 6 महीने से दिल्ली महिला आयोग को फंड्स क्यों नहीं दिए गए, मुझे ये बताइए कि हमारे बजट को क्यों कम करा गया, मुझे बताइए कि 181 विमेन हेल्पलाइन बिना डिस्कशन के, बिना कंसल्टेशन के वापस छीन ली जाती है। तो दुश्मनी है तो मुझसे निकालिए ना, महिला आयोग से क्यों दुश्मनी निकाली जा रही है। आठ साल में दिल्ली महिला आयोग ने 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है, पर जब से मैंने अध्यक्षा पद से रिज़ाइन करा है, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार उतारू हो गई है कि किसी भी तरीके से दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाए। 6 महीने से दिल्ली महिला आयोग को 1 रुपया भी फंड दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। हमारी काउंसलर्स, लॉयर्स, स्टाफ की टीम, वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है क्योंकि 8 महीने से उनको सैलरीज नहीं दी गई हैं। इनमें से कई लड़कियां खुद रेप सर्वाइवर्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, कैंसर पीड़ित हैं, और उन तक को सैलरीज नहीं दी गई। इनमें से कई लड़कियों ने अपनी जान पे खेलकर कितनी बच्चियों को सेक्स ट्रैफिकर्स तक से बचाया गया है, पर आज यही लड़कियां भूखे पेट दूसरों की कंप्लेंट हैंडल करने के लिए मजबूर कर दी गई हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग का इस साल का बजट 30% घटा दिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा का पद अभी तक खाली है, 6 महीने हो गए हैं। मेंबर्स के 2 पद खाली हैं, जिनमें से 1 मेंबर तो दलित मेंबर होनी चाहिए जो कि बिल्कुल अनिवार्य है, वो पद भी पिछले 1.5 साल से खाली है। और अब तो हद हो गई 181 विमेन हेल्पलाइन, जिसको दिल्ली महिला आयोग ने इतना बड़ा बनाया कि आज 2,000 से 4,000 कॉल्स हर दिन उस हेल्पलाइन पे आती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश की राज्यों से लोग आते हैं, टीम्स आती हैं, सरकार से टीम्स आती हैं उसको स्टडी करने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आकर इस टीम को स्टडी करती है, इसकी फंक्शनिंग को अप्रिशिएट करती है, और उस 181 हेल्पलाइन को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया। आज कितनी शर्म की बात है कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जिस राज्य को माना जाता है, उसकी 181 विमेंस हेल्पलाइन बंद हो गई है। ये जो हमने टीम बनाई थी, ये जो हमने सिस्टम बनाया था, कभी भी अगर आप 181 हेल्पलाइन पे कॉल करोगे तो वहां से तुरंत एक लड़की आपके पास आती है और आपकी मदद करती है, पुलिस स्टेशन आपको लेके जाती है, हॉस्पिटल्स लेके जाती है। हजारों लड़कियों को हमने इस तरीके से रेस्क्यू करा, आज यही हेल्पलाइन बंद कर दी है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिखा है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्यों महिलाओं से दुश्मनी निकाली जा रही है, क्यों महिला आयोग के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस राज्य का महिला आयोग ही सशक्त नहीं होगा, उस राज्य की महिलाएं कैसे बचाई जाएंगी। आपने जो आरोप लगाए हैं, क्या वजह, आपको क्या लगता है क्यों सरकार सिस्टमैटिक तरीके से पूरे आयोग को डिसफंक्शन करना चाह रही है? मैं ऐसा मानती हूँ कि सरकारें नहीं चाहती कि महिलाएं सशक्त हों। मैं ये मानती हूँ कि सरकार को जो महिलाएं सवाल उठाती हैं उनसे परेशानी है, उनसे परहेज है। आज दिल्ली महिला आयोग की एक बहुत बड़ी टीम है, आज दिल्ली सरकार जो सैलरीज नहीं दे रही है उससे भी 700 फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो डायरेक्टली टीम हमारे साथ काम कर रही थी। तो इतनी सशक्त महिलाएं और सशक्त हों, मुझे लगता है कि सरकार को ये रास नहीं आ रहा, नहीं तो क्या कारण हो सकता है। बहुत ही शर्म की बात है, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जिस राज्य को माना जाता है, अगर उसके ही महिला आयोग को एक एक करके तोड़ा जाएगा तो फिर दिल्ली में महिलाएं कहाँ जाएंगी। मैंने अपने खून और पसीने से दिल्ली महिला आयोग को यहाँ तक ये रूप दिया था। मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिलकर कई रातें हम लोगों ने काम करा है, हर हॉलिडे पे हम लोगों ने काम करा है, तब जाके दिल्ली महिला आयोग आज इतनी सशक्त ऑर्गेनाइजेशन बना था। पर बहुत शर्म की बात है कि जैसे ही मैंने रिज़ाइन करा, उस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने की जगह उल्टा उस ऑर्गेनाइजेशन पे ताले लगाने की प्रयास चल रहे हैं।
कौन प्रयास कर रहा है, पूरी सरकार या कोई इंडिविजुअल? जी मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि दिल्ली सरकार की जो चुनी हुई सरकार है वो बिल्कुल ये काम कर रही है। नहीं तो मुझे बताइए ना, जब 6 महीने से दिल्ली महिला आयोग को फंड्स क्यों नहीं दिए गए, मुझे ये बताइए कि हमारे बजट को क्यों कम करा गया, मुझे बताइए कि 181 विमेन हेल्पलाइन बिना डिस्कशन के, बिना कंसल्टेशन के वापस छीन ली जाती है। तो दुश्मनी है तो मुझसे निकालिए ना, महिला आयोग से क्यों दुश्मनी निकाली जा रही है? आपने जो देखो मुख्यमंत्री अभी कुछ जेल में है, आपको क्या लगता है कितनी मदद या राहत वो आपको या महिला आयोग को पहुंचा पाएंगे? महिला आयोग राहत लेकर रहेगा, महिलाएं बहुत सशक्त हैं, हमें जहां जाना पड़ेगा हम जाएंगी और महिला आयोग को कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी खून और पसीने से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और अगर दिल्ली जैसी जगह पे जहां हर दिन 6 रेप्स होते हैं, अगर वहीं पे महिला आयोग कमज़ोर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित हो पाएंगी। इसलिए महिला आयोग को सशक्त करना है और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं ज़रूर करूंगी। इसके अलावा पर पार्लियामेंट का विकल्प आप देखती हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों विकल्प मैं देखती हूँ, मैं कोर्ट का भी रास्ता अपनाऊंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी अर्जेंट इशू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। विमेन कमीशन सारे देश के सशक्त होने चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पिछली चेयरपर्सन ने 8 साल में एक केस हैंडल करा था उसको हमने स्क्रैच से बनाया है, बिल्कुल जीरो से आज इस मुकाम पर लेकर आए हैं। और सरकार का क्या रोल है, क्या रवैया है, इस मुकाम पर लेकर आए, इसको बढ़ावा दें, इसको और सशक्त करें, इसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी महिला आयोग की अध्यक्ष बनाए जो हमसे भी ज़्यादा काम करें, और इन्होंने तो बिल्कुल ही उसको तब पर ताला लगाने की जो प्रयास कर रहे हैं इसको हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। और चाहे जो करना पड़े, चाहे सड़क पे उतरना पड़े, चाहे कोर्ट जाना पड़े, इस देश की सारी एजेंसी इसके पास जाना पड़े, मैं हम ज़रूर जाएंगे और महिला आयोग को कभी भी बंद नहीं होने देंगे।